देश में सब्जियों की बढ़ती कीमतों के बीच आलू की कीमतों में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में आलू की कीमत 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। जिले में आलू की कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। इस बीच कीमतों में किसी प्रकार की कमी नहीं होने से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। उन्हें महंगा आलू खरीदना पड़ रहा है। बाजार में आलू के दाम में कमी लाने के लिए उसकी आवक को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जिले के कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण किया और आलू के स्टॉक की जांच की। स्टॉक का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों के स्टोरेज के मालिकों को चेतावनी दी है कि रोजाना 40 पैकेट आलू कोल्ड स्टोरेज से निकालकर सरकार को बेचे, वरना उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोल्ड स्टोरेज अथॉरिटी ने कहा कि फ्रीजर में जो आलू रखा हुआ है वो किसानों का आलू है, उन्हें इस आलू को बेचने या बाहर ले जाने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के 101 कोल्ड स्टोरेज में 6,33,967 के करीब मीट्रिक टन आलू स्टोर है। वहां से लगभग 3,09,561 मीट्रिक टन आलू को प्रशासन ने बाजार में बेचने के लिए रिलीज किया। इस आलू को पश्चिमी बर्धमान और मुर्शिदाबाद में भी भेजा जाएगा। किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।